हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त गुरजीत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा में कौन कौन क्वारंटाइन से एग्जम्प्ट हुए हैं, यानी कि किन किन कैंडिडेट को अब कनाडा में क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे काम को अप्रिशिएट कर रहे हो। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको कनाडा से संबंधित इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आते ही कनाडा की ओर से फुली वैक्सीनेटेड कैंडिडेट को क्वारंटाइन से एग्जम्प्ट किया गया है, यानी कि अगर आपने वैक्सीन वगैरह लगवा ली है तब आपको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। इसमें कौन कौन सी कैटेगरी इंक्लूड की गई है, सबसे पहले बात करते हैं पीआर होल्डर, फैमिली मेम्बर्स और स्टूडेंट। ये सब कैटेगरी के लोग जो हैं इसमें इंक्लूड किए गए हैं, यानी कि अभी जो विजिटर हैं इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं, अभी जस्ट पीआर होल्डर, वर्कर, फैमिली मेम्बर ही इंक्लूड किए गए हैं। सो, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तब आपको कनाडा विजिट करने के लिए क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। फाइनली कनाडा की ओर से ये गुड न्यूज़ प्रोवाइड की गई है, यानी कि आते ही आप बिना क्वारंटाइन के कनाडा ट्रैवल कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ये सब तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग बेदी लर्निंग।